जू चौपाटी, जू चौपाटी कर रखा है। जू चौपाटी से ये ज्यादा अच्छा है यार, ये अच्छा है, ये बड़ा है और काफी ओपन प्लेस है। समुंदर हो, गाड़ी हो, चनाचूर गरम हो और ये दोस्तों का साथ हो। हाय गाइस, मुंबई में बारिश का मौसम है तो मैंने सोचा मौसम के हिसाब से बाइक राइड तो बनता है, बट ऑफिस का काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। बट ऑफिस का काम कंप्लीट होने के बाद माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो थोड़ा जैसे मैंने बताया बाइक राइड बनता है और मानसून सीजन भी है और एक मेरा फ्रेंड भी आया हुआ है, तो बाहर निकला हूँ बस बाइक राइड करने के लिए। बट शूट का मैं बोलूँ तो गोप्रो में अपना वैक्स नहीं है इसलिए मैं मोटो व्लॉग नहीं कर पाऊँगा, बट वीडियोस बन जाएगी। शूट तो मोबाइल से कर रहा हूँ, ये मोबाइल इजी रहता है, अपना डिगी विगी में रख दिया, वाटरप्रूफ केस में रख दिया तो कुछ होता नहीं है। DSLR लेके मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ, अभी दोपहर के बजे है 4, आई थिंक मैं जा रहा हूँ कोस्टल एरिया में, तो लेट्स सी मैं कोस्टल एरिया कौन सी तरफ जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ थोड़ा लंबा जाओ, बट नेवर नो, नज़दीक भी जा सकता हूँ। ये बारिश खतरनाक है, घर वालों को मैंने बताया नहीं है क्योंकि घर वाले बाद में चिल्लाते कि अरे तू इतना लंबा चलेगा क्या, ये सब तकलीफ़ होती है। और अभी मैं पहले बाहर निकलता हूँ, सीधा हम बाइक पे मिलता हूँ क्योंकि हाथ में खाली हेलमेट है, मोटो व्लॉग को ऐसा देखो कवर कर दिया है वाटरप्रूफ केस में, होपफुली कि वो ख़राब ना हो, ख़राब हो गया तो बहुत पंगा हो जाएगा, मतलब लंबा खर्चा आ जाएगा। दूसरा, मुझे गिल्ला तो होना है, इसके लिए ये टी शर्ट पहन लिया है मैंने नायलोन वाला, जिससे जल्दी सूख भी जाएगा। चप्पल मैंने अपने बारिश वाले पहने हुए, शूज़ नहीं पहन सकता, शूज़ पहनेंगे तो पैर गंदे हो जाते, एक बार गिल्ला हो गया ना शूज़ तो हालत ख़राब हो जाती है, तो बारिश का जो कॉस्ट्यूम रहता है वो पहन के अभी निकल ही रहा हूँ। जो मैं मेरे दोस्त की बात कर रहा था, ये रहा मेरा दोस्त, वो लोग ने शॉपिंग तो कर ली मुझे छोड़ के और अभी यहाँ पे बैंक में हम लोग को जाना है। आया था अपने टाइम पे, आया नहीं तो, अरे मैं मेरा कुछ काम करूँगा तो कैसे आऊँगा, बट अभी आ चुका हूँ। मोटो व्लॉग तो नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे जाएगी, बारिश का मौसम है और एक बार हेलमेट पहन गया तो मेरे को निकलने का मन नहीं होता। एक दूर गया काम करने के लिए, बोला 15-20 मिनट लगेगा, मैं बोला ठीक है तब तक तू आ जा, तब तक दो तीन बोल के ना सब्सक्राइबर बोलो या दोस्त लोग मिल ही जाते, तो बातचीत हो रही है और बाद में हम लोग यहाँ पे कहाँ जाने वाले उसे मुझे भी नहीं पता। बट हमारे जो शॉपे है चतुर्वेदी जी, उनको आजकल इंस्टाग्राम का ना बहुत चक्का लग चुका है, बोलते हैं हमको फॉलो करो फॉलो करो, तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी बनाई है और इनकी लिंक छोड़ दी है, तो वहाँ पे जाके इनको फॉलो जरूर करना, बोलते मेरी गर्लफ्रेंड पड़ जाएगी मुझे, तो मैं बोला ठीक है चलो इसमें थोड़ी तो सपोर्ट कर ही सकता हूँ। गर्लफ्रेंड पटी है बट अपनी इमेज दिखानी है। अच्छा, इमेज दिखानी है भाई, आपका सपोर्ट चाहिए गाइस, प्लीज सपोर्ट मी, आपका छोटा भाई अंकित सर, ऐसे मैं सबको सपोर्ट कर दिया करता हूँ, जो भी मेरे को मिलता है सबको मैं बोलता हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरी चैनल को भी सपोर्ट करो यार तुम लोग, ठीक है, और कमेंट में लिखना जो भी आप सोचते हो। अभी तो हम लोग ने कॉन्वर्सेशन की, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आने वाली, भी नहीं पता आगे मैं क्या करने वाला हूँ। कई ब्लॉगर ना स्क्रिप्ट लिखते और बाद में वीडियो बनाते, बट मेरा रैंडम रहता कि जो होते जाता ना वो वीडियो में बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। मैडम ठीक रहता है इनका वीडियो, प्लीज जाकर सब्सक्राइब करो, जाकर लाइक करो, कमेंट करो, बहुत अच्छी जगह पे जाके बनाते हैं और बच्चे बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, कोई भी बारिश रहता है फिर भी इनके कुछ आते ही रहते हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे बड़े भैया आए हैं। और मुझे ये लोग बहुत बोलते हैं कि यार वो फेक वाला वीडियो बनाओ, मतलब वो बाइक फूक जाती है या कोई गाली देता है या फिर वो चोरी करके भाग जाता है, वैसी वीडियो बनाओ। जोड़ा भाई, हम लोग जेन्युइन वीडियो बनाएंगे, सच्चे वाला वीडियो, वो मेरी रियल लाइफ में है वही वीडियो में दिखाऊंगा, बाकी फालतू वीडियो नहीं दिखाएगा, बराबर। मोटो व्लॉग तो नहीं कर पाया बट अपनी गाड़ी और सामने देखो समुंदर, यहाँ पे ये इसको है ना मेरे गोप्रो दिया शूट करने के लिए, यार प्रॉपर शूट नहीं कर रहा है यार, एक तो मोटो व्लॉग भी नहीं हो रहा है और ये शूट भी बराबर नहीं कर रहा है, नया नया नमूना है।
और ये अपनी गाड़ी है, और अभी यहाँ पे हम लोग ना राइडिंग करेंगे और समुंदर काफ़ी पीछे, तो मज़ा आ रही है। यहाँ पे फोटोग्राफी भी करेंगे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। यहाँ पे ऐसा कुछ केस नहीं, मेरा एक हफ्ते में गाड़ी नहीं चला हुआ, उसकी पूरी पूरी बच्ची है, वो समुंदर आगे था, अभी पीछे ही है, तो मैं सीट ही मारता था, उससे एक हफ्ते गाड़ी नहीं चला हुआ, दोनों हफ्ते ठीक है। बड़ी मुश्किलों से पार्किंग की जगह मिली, क्योंकि यहाँ पे मट्टी में लगाया तो गाड़ी गिर जाएगी, तो ये पत्थर पे ऐसा लगाना पड़ता है। तो ये गाड़ी लगाई है और ये अपनी दूसरी हाथी गाड़ी लगाई है पत्थर के बाजू में। ना गिरे तो अच्छी बात है, पर गिरी तो तकलीफ हो जाएगी। यहाँ पे अभी हम लोग फोटो शूट करेंगे। यहाँ पे रिसोर्ट है, सारे महंगे महंगे रिसोर्ट है, लिमिटेड दारू मिलती है। लिमिटेड दारू बोले तो तुमको वैरायटी नहीं मिलेगी, तुम बोलोगे पता नहीं यार दारू में पीता नहीं, मगर ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती। खाने पीने को मिल जाएगा, चाइनीज़ वाइनीज़ वड़ा पाव भी मिल जाता है। आज बहुत कम पब्लिक है, बहुत अच्छा लग रहा है घूमने को, और बहुत टाइम के बाद में घूम आया हूँ, दिल खुश हो गया। लास्ट मैंने साइकिल चला के आया था हेमंत विनीतोर में, उसके बाद अभी आया, मज़ा आ गया। घर से बाहर निकला, शॉर्ट राइड मारी, समुद्र के किनारे सीधा पहुँच गया। अच्छे खासे लोग कार वार लेके आए, कैंप वैम्प है वहाँ पे, फोटो शूट ट्रेकिंग सब कुछ चालू है। ट्रैकिंग बोले तो समुंदर में जो भागम दौड़ी करते हैं वो सब चालू है। अभी थोड़ी बारिश आने वाली है वापस, तो आपको मोबाइल छुपाना पड़ेगा। गोप्रो से तो शूट कर सकते हैं, लेट्स सी बैटरी कितनी बची है। अरे भाई साहब को देखो, फोटो शूट कर रहा है, जू चौपाटी कर रहा है। जू चौपाटी से ये ज़्यादा अच्छा है या ये अच्छा है? ये बड़ा है और काफ़ी ओपन प्लेस है। समझा, ये बोल रहा था काफी दूर है, काफी दूर है। मैं बोला कुछ पाने के लिए लंबा तो चलना पड़ेगा ना, बोलेगा हमारा तो जू चौपाटी बाजू में। बोला जू चौपाटी और गोराई में बहुत फर्क है, मगर अभी पता चला, अभी मालूम पड़ा। अभी खड़ा हो गया उधर तक, देखिए तो पहाड़ आ गया वहाँ, लंबा देखिए ना वहाँ तक, ये समुंदर हो देख वहाँ पे, तू ऊपर भी जा सकता है। अगर मेरा वीडियो देखा रहेगा तो, तूने साइकिल वाला वीडियो देखा था, वो चल के गया था ऊपर है वहाँ पे, समझा। ये ले यहाँ पे साइकिल आराम से होकर चालू रख, उधर ही रहो। अब मैं तो उसके हाथ में भी मोबाइल है, यहाँ पे भी मोबाइल और वीडियो कर रहा है, सही है। ये ले हाथ में मोबाइल पकड़ के, यहाँ पे वीडियो शूट चालू है, यहाँ पे फोटोग्राफी है, दिल खुश हो गया ना। तो समुद्र किनारे जाएंगे ना, गोप्रो ले लेते। को हम लोग ने यहाँ पे रख दिया क्योंकि ये स्पॉट है, वरना बोलते ना ये पत्थर की जगह पे मट्टी में कहीं पे रखा तो घूम जाएगा। और अभी हम लोग पानी में जा रहे हैं। अरे यार कचरा सिर्फ ज्यादा है, अदरवाइज पानी में जाने में मजा आएगी। ये देखना दारू पी के पानी की बोतल डाल दी है, सी दारू की बोतल, पानी की बोतल। ये भाई साहब को फोटोज की पड़ी है, वीडियोस की नहीं। ये बारिश में पानी जाएगा तो मोबाइल छुपा दे, वरना खराब हो जाएगा। एक हाथ में GoPro, एक हाथ में मोबाइल, और ऐसे शूटिंग चालू है, दिल खुश हो गया। अरे बाबा चलो हाई टाइड आ रहे, यहाँ पे बोल रहे हैं हाई टाइड आ रहे, तो यहाँ आगे मत जाओ, पीछे चले जाओ। हम लोग पीछे जा रहे हैं क्योंकि जो गार्ड वाले बोले वो मानना पड़ेगा ना।
समुंदर हो, गाड़ी हो, ये किसी और की गाड़ी है, अपनी बाइक वहाँ पे है, चना चोर गरम हो, पर ये अपनी है, चना चोर गरम हो और खट्टा आम हो, और ये दोस्तों का साथ हो, मजा आएगी। मैंने बोला ना लाइफ गार्ड वाले बोल रहे कि चले जाओ चले जाओ, ये उनकी गाड़ी है, पुलिस वाले भाई साहब लोगों को बोल रहे हैं जल्दी जाओ क्योंकि हाई टाइड हो रहा है, इसके लिए हम लोग समुंदर से पीछे पीछे की तरफ आ गए। हम लोगों को बोला वहाँ पे चले जाओ, हम लोग वहाँ पे जा रहे थे ना तो बोला जाओ वापस जाओ, इसलिए तो देखना वो लोग को भी बोल रहे चले जाओ, भागो भागो बारिश आ रहा है, मोबाइल छुपाना पड़ेगा, बारिश आ रहा है मोबाइल छुपाना पड़ता ना भाई, खराब हो गया तो जल्दी भाग जल्दी भाग। ये रही अपनी गाड़ी, हेलमेट, मोबाइल अभी इधर रख देता हूँ। वहाँ पे पानी आ गया था ना बहुत, देखा मैंने, पर वापस पानी चले गया और पहले आया था बीच में, देख अभी नहीं है, देख रहा है। इसी तो मैं बोला अभी निकलना पड़ेगा। तो गाइस जैसे ही हम लोग घोड़े से बाहर निकले और जो खतरनाक बारिश आई ना, तो घर पे पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग गए, बारिश में पूरा भीग चुका था, तो घर पे आके मैं वीडियो एंड भी नहीं कर पाया, बट जैसे आप लोगों को मैंने बताया घोड़े भीग गए थे और काफी टाइम के बाद गया तो बहुत इंजॉय किया और बारिश में के मजे भी ले लिए जो मुझे चाहिए था, और मेरा डिसीजन अच्छा था, मैं DSLR लेके नहीं गया और अपना GoPro को बोलते ना वाटरप्रूफ केस में लेके गया था, तो GoPro भी खराब नहीं हुआ, वरना बोलते ना मोटो व्लॉग करता, और मेरे पास है ना GoPro को सील करने वाला कुछ है नहीं कि मतलब जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर है ना मोटो व्लॉग करते तो उस पर कुछ वैक्स लगाते हैं, मेरे पास है नहीं, अवेलेबल नहीं है या मुझे मिल नहीं रहा है, दोनों में से कुछ तो है, तो इसके लिए मैं मोटो व्लॉग नहीं कर पाया बारिश में, बट मैंने वीडियो फिर भी बनाई और आप लोगों को दिखाया कि मैं घोड़ा गया था तो क्या इन्जॉय किया। सबसे बड़ी बात कि घोड़ा ना खाली था तो बहुत अच्छा लगा, बट दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत बुरा लगा देख के कि वहाँ पे जो लोग दारू पीते खाना खाते पानी की बोतल बोलो या जो भी था सब गंदगी वहाँ पे ही रख देते, तो समुंदर है ना चाहे कुछ भी है ना आप गंदगी अंदर डालो सब बाहर छोड़ देता मतलब किनारे पे, तो वो सब चीज़ें मैंने वहाँ पे देखना बहुत बुरा लगा। जब मैं घोराई में जाता था ना 1994 में इतना नीट एंड क्लीन था और पब्लिक कम आती थी तो बहुत साफ़ सुथरा था, बट जैसे पब्लिक बढ़ने लग जाती ना तो बोलते ना गंदगी कर देती, तो वो मुझे बुरा लगा, तो मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ जहाँ पे भी जाते हो यार साफ सुथरा रखा करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दिखाना था, तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मुझे अच्छा लगा और कमेंट में बताना आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड बी सेफ।